subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्चुअल में एटॉमिक नंबर जो है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पे प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है। मगर जब सबसे पहले जो टर्म आपके पास आई थी वो थी प्रोटॉन, फिर आया कितना यूनिट चार्ज जो है प्रेजेंट है, यानी कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, बाद में उसे दिया गया नंबर एटॉमिक नंबर यानी नाम दिया गया। अब बात ये आती है सबसे पहले ये किसने दिया था, तो ये 1930 में आपको दिया था मोजले ने। ओके, किसने दिया था, मोजले ने। एक्चुअल में वो डिस्कवरी कर रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस में कितना जो है मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज का। जब उन्होंने इसको स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, ओके, वो स्टडी कर रहे थे मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। तो उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जितना वहां पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसका नाम बदल दिया, उसको नाम दे दिया एटॉमिक नंबर। लाइक इसकी डेफिनेशन आपके पास होगी एटॉमिक नंबर की, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस कैरिड बाय द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके पास प्रेजेंट है उसे टर्म दी गई एटॉमिक नंबर। तो ये है आपके पास डेफिनेशन की एटॉमिक नंबर जो आपके पास क्या होता है, द यूनिट, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी बाय द न्यूक्लियस। ओके, इसको दिया था मोजले ने 1913 में। तो ये आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। अब निकालते कैसे हैं कि कितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्रेजेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम जेड के साथ, यानी एक फॉर्मूला है हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी जेड, ओके, इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं इसे पी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी। ओके, तो यहां पे आप इसके साथ भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एटॉमिक चार्ज या एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होगा, वो होता है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज के बराबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, अगर आपके पास जो स्पीसीज है वो न्यूट्रल है तभी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जो है आपके पास वो कम और ज़्यादा होता रहता है। तो इस तरह से हम इसको इजी से निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है, वो आता है आपके पास कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन है तो उससे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं कि हम उनको कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट है मास नंबर। अब मास कितना होता है हमारे पास, मास होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब टोटल मास कहाँ पे होता है उसका, वो होता है आपके पास एकदम सेंटर में, यानी न्यूक्लियॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो मास क्या होता है आपके पास, वो होता है न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आता है मास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालोगे जेड, ये आपके पास होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर कितना होगा, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे न्यूट्रल में, जितने उसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। अब मास नंबर, एक और फार्मूला हमारे पास है, वो आपके पास यही है, सॉरी यहाँ पे तीसरी बार लिख दिया, यही आपके पास दोबारा से यही फार्मूला आ जाएगा। तो ये इन्हीं फार्मूले से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं।
कैसे? आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बता पता करने पड़ेंगे कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितने होंगे, वो आपके पास उतने ही होंगे जितना आपके पास एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन का आपको मास निकालना है, तो मास कैसे निकालोगे आप? तो मास आप इसका निकाल लोगे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं आपके पास? तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी के साथ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? सिक्स, सिक्स प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन भी आपके पास सिक्स हैं। तो आपके पास जो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का, वो आपके पास होगा, इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, इस इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा, मास मास नंबर माइनस प्रोटॉन। अब मास कितना होगा? मास होता है आपके पास न्यूट्रॉन प्लस, सॉरी, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मास जो है आपके पास प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का सम आपके पास आ जाएगा, तो वो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 12 माइनस प्रोटॉन कितने हैं? सिक्स। दिस विल बी इक्वल टू सिक्स। बेसिकली प्रोटॉन जो है आपके पास उतने ही होते हैं जितने आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, या जितने आपके पास न्यूट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके पास प्रोटॉन्स होंगे। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कोई एलिमेंट है जिसे हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए जो है यानी ऊपर हम लिखेंगे मास नंबर, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड के साथ, और ये है आपके पास सिंबल ऑफ एलिमेंट। ओके, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। और मास आप कैसे निकालेंगे? जितने आपके पास प्रोटॉन है आप उसका डबल कर दीजिए, आपके पास जो है इजी फॉर्म में निकल जाएंगे कि आपके पास कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। आइए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं जिसमें हम निकालेंगे कि कितने प्रोटॉन जो है हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, ओके। अब जो नीचे दिया होता है आपके पास वो होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है आपके पास मास नंबर। अब आपको इसमें तीनों टर्म निकालनी है, प्रोटॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एंड इसके न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो टर्म हमें गिवन है, जेड या रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, मास ए इज इक्वल टू 17, ओके, और जो आपके पास इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कितने होंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला था, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैं इसको कैपिटल एन के साथ लिख देता हूँ, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोटॉन जो यहाँ पे हमें गिवन है, या एटॉमिक नंबर, अब जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे पास इसके प्रोटॉन होंगे, ओके, ये हमें गिवन था। तो उसका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास? वो है 17, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हैं, मास यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8, ओके, क्योंकि प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा 8, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी एन इज इक्वल टू 9, यानी ऑक्सीजन में जो है हमारे पास 9 प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट हम लेते हैं मैग्नीशियम आपके लिए, यानी इसका जो मास है वो 12, एटॉमिक नंबर 12, मास जो है वो 25 है। तो हाउ मैनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम? दिस विल बी इक्वल टू, तो जिस तरह से हमने पीछे किया उसी तरह से हम इसको भी निकालेंगे, ये आपके पास आ गया आपके पास ए, ओके, यानी एटॉमिक मास, ये आपके पास आ गया जेड यानी एटॉमिक नंबर। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा न्यूट्रॉन के लिए, एन इज इक्वल टू, आपको माइनस करना पड़ेगा ए में से जेड, ओके। वैसे तो यहाँ पर आपके पास पी होगा प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन भी 12 ही होंगे आपके पास, तो आप एटॉमिक नंबर के साथ भी इसे माइनस कर सकते हैं। तो ये टर्म आपके पास बनेगी एन इज इक्वल टू 25 माइनस 12, दिस विल बी इक्वल टू 13, ओके। तो जो आपके पास यहाँ पे राइट बनेगा वो बनेगा 13। तो इतने नंबर ऑफ
जो न्यूट्रॉन्स है आपके पास वो प्रेजेंट है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड जो आपके पास क्वांटम नंबर्स हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और आपके पास डी ब्रॉगली इक्वेशन भी है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टर्म होगी वो भी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।